बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं हम बाटी चोखा। ये बाटी चोखा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ये बिहार की रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है, तो अब हर जगह ये बनने लगी है। तो आज मैं भी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन मैं चोखा बनाऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। मैं इसे भूनूंगी नहीं बैगन को। तो ये बैगन को मैंने देखिए छील लिया है, एक बैगन था इसे छील लिया। पहले मैंने काटा, देखा कुछ है नहीं, फिर छीला इसको, और छील के अब इसके हम पतले पतले स्लाइसेस कर देंगे, क्योंकि अभी भी ये मोटा है। मुझे डर है कि कहीं में मतलब कहीं इसमें कुछ घुसा ना हो, इसलिए मैं इसके ऐसे स्लाइसेस कर दूंगी। इसके बाद बॉइल करूंगी। तो देखिए, मैंने सारे स्लाइसेस कर लिए हैं, और अब इनको हम इस कुकर में डाल देंगे। तो कुकर में अभी मैंने आलू बॉईल किया है, ये गया, और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। ये डाल दिया, और इसे थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, बहुत ही कम, मतलब 2-3 चम्मच इसलिए डाल रहे हैं पानी की, ताकि ये जले ना नीचे से। और इसको हम धीमी आंच में एक सीटी लगा लेंगे। आप भून के बनाते हो तो आप भून के बना सकते हैं। मैं कभी भी बैगन को भून के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर भून के बनाएंगे और अगर भुने हुए बैंगन में एक भी कीड़ा निकल गया तो मैं उसे बिल्कुल फेंक ही देती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा बॉईल करके ही बनाती हूँ। मेरी रेसिपी बैंगन के भरते की पड़ी हुई है, तो इसको हम धीमी आंच में एक सीटी लगा लेते हैं। इधर हमारे टमाटर है ना, ये भून रहे हैं बढ़िया से, तो इनको अलट पलट के हम भूनेंगे, तो अच्छे तरीके से भून जाएंगे। इधर मैंने देखिए ये लहसुन भून लिया है, और अब हम चलते हैं अपना डो लगाते हैं बाटी के लिए। तो ये मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, नमक बहुत संभाल के डालें, क्योंकि चोखा में भी नमक पड़ेगा, स्टफिंग में भी नमक पड़ेगा। तो ये डाल दिया नमक, और अब इसमें हम घी डालेंगे। तो घी मैं 1 चम्मच ही डालूंगी इसमें, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो घी आप चाहें तो पिघला ले सकते हैं, और मैंने ऐसे डाल दिया, लेकिन ये मिल जाएगा, मैं मिला दूंगी इसको इसमें अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से मिला दिया मैंने, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, मतलब जैसे हम पराठे वगैरह के लिए लगाते हैं, इस तरह का आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है, और ये सॉफ्ट आटा है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा गीला नहीं है। तो इसको ढक के रख देते हैं सेट होने के लिए, और चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं ये सत्तू का आटा है, मतलब सत्तू है, ये इसमें डाल देंगे, और अब इसमें जाएगा प्याज। तो ये मैंने चॉप कर लिया है प्याज, ये जाएगा इसमें। तो आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज लहसुन हटा सकते हैं, प्याज हटा सकते हैं। और इसमें जाएगा अदरक, तो ये मैंने अदरक को कद्दूकस से किस लिया है, थोड़ा सा हरा मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, और अब जाएगा इसमें ये अचार का मसाला है। तो मेरे पास अचार नहीं था, लेकिन मसाला रखा था, तो मैंने इंस्टेंट तैयार कर लिया इसको। मसाला पिसा हुआ रखा था अचार का, जो मैं करेला वगैरह में डालती हूँ वो पिसा रखा था पूरा। उसमें थोड़ा सा तेल डाला, और इसमें काला नमक वगैरह डाल के इसको तैयार कर लिया, सुबह रख दिया था मैंने। और तो ये मेरा अचार का मसाला तैयार हो गया, और अब इसे हम मिक्स कर देंगे बढ़िया से। थोड़ा सा हरा धनिया, ये गया हरा धनिया, और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद पानी डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम तेल अलग से और डालेंगे,
क्योंकि जो मैंने अचार का मसाला बनाया था उसमें कम तेल था, तो थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। ये सरसों का तेल है, और अब इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने लाल मिर्च नहीं डाले हैं, हाथों से मिक्स करेंगे। लाल मिर्च हम बाद में डालेंगे, मिक्स करके थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से भुरभुरा था। अब इसमें पानी डालेंगे, और पानी थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि ये भुरभुरा ना हो, थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग आ जाए, कि ये थोड़ा सा बंधने लगे। इस तरह की स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पानी डाल के इस तरह का कर लिया है कि अगर अब हम इस तरह का कर रहे हैं तो पेड़ा बन रहा है हल्का हल्का। तो हमें इतना ही इसे रखना है। तो थोड़ा सा हम डो निकाल, मतलब थोड़ी सी स्टफिंग निकाल लेते हैं, और अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। तो ये लाल मिर्च डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इसको मिक्स कर देंगे, और हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। और चलते हैं अपना चोखा बनाने के लिए। तो एक सीटी लग गई है, और बैंगन को देख लेते हैं। बैंगन बढ़िया सा उबल के तैयार हो गया है। तो देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, बैंगन पक भी गया है और इतना ये पानी छूटा है। तो ये पानी हम नहीं लेंगे इससे, केवल हम बैंगन बैंगन इससे निकाल लेंगे। तो ये निकाल लिया, और ये देखिए पानी है इसमें, इसको हटा देंगे। इधर हमारे टमाटर भी ठंडे हो गए हैं, तो इनका हम छिलका उतार देते हैं। अच्छे से पक गए हैं ये। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और अब इसमें आलू फोड़ के डाल देंगे। तो आलू के हम बहुत ज्यादा मतलब महीन टुकड़े नहीं करेंगे, अभी ऐसे कर देंगे। फिर इसके बाद जब हम पूरा मैश करेंगे चोखा, तब ये बढ़िया से मैश हो जाएगा। तो ये मैंने आलू डाल दिया, और अब इसमें कुछ ये जो लहसुन लिया था, भून लिया था, इसको मैं ऐसे मैश कर लूंगी हाथों से, थोड़ा सा खुथल लूंगी। आप चाकू से काटें तो चाकू से बारीक बारीक कर दें। ये इसमें गया, और अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो उस तरह से। और इसमें जाएगा थोड़ा सा सफेद वाला नमक, और इसमें डालेंगे काला नमक स्वादानुसार। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, और अब इन सब चीजों को बढ़िया से मैश कर देंगे, मिक्स कर देंगे सारा चीज। अभी धनिया नहीं डाली मैंने, तो मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़े से बैंगन अलग कर लिए थे, टमाटर नहीं खाना है, और लाल मिर्च। तो इसमें लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ, लाल मिर्च। और अब इन सब चीजों को पहले हरी धनिया डाल लेते हैं, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या, हरी धनिया अच्छे से जाएगा। और अब इन सब चीजों को बढ़िया से हम मिक्स भी करेंगे, और इसको मैश भी करते जाएंगे इस तरह से। तो देखा बैंगन हमारा कितनी जल्दी बॉइल्ड हो गया, एक सीटी में अच्छे से पतले पतले स्लाइसेस थे, तो बहुत जल्दी बॉइल्ड हो जाता है बैंगन। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है अब हमें। तो ये देखिए हमारा चोखा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है ये। और ये मैंने डाला है, ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों डाला, तो ये डाला मैंने अपने बेटे के लिए, उसे ये बहुत पसंद है। आप इसमें प्याज खाते हैं तो प्याज डाल सकते हैं, मैं बाद में प्याज डाल के ऊपर से खाऊंगी। तो इसको एक तरफ रखते हैं, और चलते हैं अपनी बाटी बनाने। तो आटा को थोड़ा सा तेल लगा के, और इसे बढ़िया से चिकना कर लेंगे इस तरह से। और अब इसकी हम लोइयां तोड़ेंगे। तो लोइयां आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी, जैसी आपको बाटी पसंद हो उस तरह से आप लोइयां तोड़ सकती हैं। तो मैं जितना जितना भरता भरूंगी, मतलब स्टफिंग भरूंगी, उसी हिसाब से लोइयां हम तोड़ लेंगे। तो
तो इसी तरह से हम लोइयां तोड़ के रख लेंगे पहले। तो ये मैंने इतनी लोइयां तोड़ लिया है और एक पेड़ा उठाते हैं हाथों से इस तरह से करते हुए। अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम इसको इस तरह से जैसे हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से गोल करेंगे। और अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग अगर आपकी ज़्यादा सूखी हो तो थोड़ा सा पानी और उसमें डाल के आप इसे थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। मतलब बंधने लगे, लड्डू जैसा बंधने लगे उस तरह से आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बढ़िया सा, और ये वाला पार्ट हम हटा देंगे थोड़ा सा और इसको बढ़िया सा गोल कर देंगे। ये हमारी बाटी बनके तैयार हो गई। तो इसी तरह से और भी बना के हम तैयार कर लेंगे पहले और इसमें रखते जाएंगे। एक और लेते हैं। और इसमें भी उतनी ही स्टफिंग। बंद किया। और फ्रेंड इसको हम बनाएंगे कढ़ाई में, क्योंकि हम आग वाग से नहीं बना रहे हैं, कंडे की आग जला के नहीं बना रहे हैं। क्योंकि अगर कंडे की आग जला के बनाएंगे तो या तो छत होनी चाहिए तो बनाएंगे, कंडे की आग जलाएंगे तो। यहाँ पे तो हम अपना मकान नहीं है ना, तो हम कढ़ाई में बना के आपको दिखाएंगे। कढ़ाई में बना सकते हैं आप, अपम मेकर में बना सकते हैं, या फिर जाली एक गैस के ऊपर रख लीजिए उसमें आप बना सकती हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की बाटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इतनी बाटी बना के तैयार कर लिया है एक बैच की, और इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। तो हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको चारों तरफ कर देंगे इस तरह से। तो ये बाटी हमारी जलेंगी नहीं, कढ़ाई भी नहीं ज्यादा जलेगी इस तरह से। और अब इसमें हम अपनी बाटी रख देंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकाना है, आंच को बिल्कुल तेज नहीं करना है। तो इन्हें थोड़ा सा इस तरह से चिकना कर देंगे ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। इस तरह से कर देंगे तो एक दूसरे में नहीं चिपकेंगे। घी लग जाएगा ना। ये देखिए ये कर दिया मैंने, और अब इनको हम ढक देंगे। तो ढकने के लिए हम ये एक थाली लेते हैं, इनको ढक देंगे और धीमी आंच में इन्हें हम पकने देंगे। इसके बाद हम इन्हें उलट देंगे और तब तक हमारी वो पक रही हैं तब तक हम और बना के तैयार कर लेते हैं। इन्हें पकते पकते 2 मिनट हो गया है तो हम इनको चेक कर लेते हैं। उल्टा पलटा देंगे इस तरह से। तो अभी बहुत कम सिकी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा जो बीच में है ना वो थोड़ी थोड़ी सिक गई हैं, और जो किनारे हैं उनको हम इस तरह कर देंगे। तो किनारे वाली अभी नहीं सिकी हुई हैं, तो इनको अलट पलट के इस तरह से पलट देंगे तो बीच में जो है ना जल्दी सिकेंगी, और जो किनारे वाली हैं वो थोड़ा सा देर में सिकेंगी। तो इसको फिर से ढक देंगे। तो ये हमारी दूसरे बैच की भी बन गई हैं। अब इन्हें हम अप्पम मेकर में सेकेंगे। तो ये अप्पम मेकर हमारा बहुत हल्का है तो इधर उधर ज़्यादा होता है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया और ये बाटी अब हम इसमें रख देंगे। तो ये धीमी आंच रखेंगे इसकी, और इन्हें भी बढ़िया से पकने देते हैं। तो मैंने 6 बनाई हुई हैं, 6, 7, 6, और इनको भी थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इस तरह से और इन्हें धीमी आंच में पकने देंगे।
इधर वाली बाटी मैंने उलट पुलट दिया है और अब इनको हम उलट पुलट के चारों तरफ सेकेंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए और अच्छे से पक जाए, इनकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इधर ये वाली बाटी चेक कर लेते हैं। तो ये वाली बाटी हम नीचे का पार्ट देख लेते हैं। तो नीचे का पार्ट देखिए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इन्हें हम पलट देंगे इस तरह से। लेकिन जो ये किनारे वाली हैं ये अभी बहुत कम सिकी हुई हैं, तो इनको भी पलट देंगे, हल्के से सिकती रहेंगी तो इनकी शेप बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं। कढ़ाई में बनाएंगे तो थोड़ा सा शेप बिगड़ जाती है। इनको एक बार और ढक देंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम खोल देंगे इनको। तो इधर वाली बाटी देख लेते हैं। तो ये मैंने घुमा फिरा के अच्छे से पका लिया है। ये हमारा जो अपन मेकर है ना, तो थोड़ा सा हल्का है, तो ये देखिए ये वाली हमारी पक गई हैं, बढ़िया क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो इनको हम दो को निकाल लेंगे, इस तरह इधर निकाल के रख लेंगे, और जो ये किनारे वाली बाटी हैं इनको हम बीच में ले आएंगे इस तरह से। तो किनारे आँच कम लगती है इसलिए जल्दी पकती नहीं है, तो इनको इस तरह पलटा देंगे। तो इनको भी इसको सिक जाने देते हैं थोड़ा सा, इसमें नीचे कसर बाकी, इधर ये वाला हिस्सा, तो इनको भी सिक जाने देते हैं बढ़िया से। और इधर देखिए, इधर हमारी जो कढ़ाही वाली हैं तो ये भी उलट पुलट के सेक रहे हैं इस तरह से। देखिए शेप बिगड़ गई है थोड़ी सी, ये देखिए। तो इनको काफ़ी देर लगेगा सेकने में, या फिर आँच को हम तेज कर दें, लेकिन तेज ना आँच नहीं करेंगे, इसी तरह से पकने देंगे। उसके अपेक्षा भले ही शेप बिगड़ गई लेकिन ये वाली बाटी बहुत अच्छी बनेंगी, ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। और ये वाली बाटी है जो, तो ये कम टेस्टी बनेंगी, इनकी भले ही शेप अच्छी आई है, देखिए कितनी बढ़िया आई है। तो इसी तरह से हम बाटी को सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो कढ़ाही की हैं बाटी बन के तैयार हो गई है। ये तीन हमारी अपम मेकर की हैं, उनको मैंने इसी में डाल दिया था और बीच में उसमें दूसरी बाटी कर दी थी, तो वो हमारी सिक रहे हैं और ये बाटी हमारी बनके तैयार हो गई। तो इनको हम निकाल लेते हैं और एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अब इनको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, और ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई हैं। तो हम थोड़ा सा इनको फोड़ देंगे और इनके ऊपर से घी डालेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने बाटियों को फोड़ लिया है और अब इसमें डालेंगे घी। तो चाहे आप इनको घी में डिप कर लीजिए और या फिर इसी तरह से आप घी इनमें डाल लीजिए। तो घी के साथ ही बहुत अच्छी लगती हैं, और जो लोग घी नहीं खाते हैं जैसे मैं ही नहीं खाती हूँ, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो इस तरह से खूब सारा घी जाएगा इनमें, और ये हमारा चोखा, और ये हमारी बाटी चोखा बनके तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी कढ़ाही में बनी हुई। अगली बार जब बनाएंगे तो दूसरी तरह से आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखिए बाटी चोखा बनके तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ है हमारा, और बहुत ही जो चोखा हमारा है, आपने देखा किस तरह से मैंने बनाया। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।